ज्वाला जी के विक्टोरिया पैलेस में आयोजित प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत यहां पहुंची जनता की छूट मुट समस्याओं को लेकर उपाध्यक्ष, योजना बोर्ड एवं ज्वालामुखी के विधायक रमेश दवाला ने संबंधित अधिकारियों की खूब क्लास लगाई। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि लोगों की बार बार शिकायतों के बावजूद अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। ज्वाला जी के विक्टोरिया पैलेस में आयोजित प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत यहां पहुंची जनता की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर उपाध्यक्ष, योजना बोर्ड एवं ज्वालामुखी भाजपा विधायक रमेश धवाला ने संबंधित अधिकारियों की खूब क्लास लगाई। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि लोगों की बार बार शिकायतों के बाद भी अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का हल करें। वहीं इस बीच यदि उन्हें दोबारा उन्हीं लोगों की शिकायत मिली तो वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। दरअसल विक्टोरिया पैलेस में आयोजित खुले द्वार में धवाला के पास कुल मिलाकर 100 शिकायतें पहुंची, जो विभिन्न पंचायतों से संबंधित थी। ज्यादातर शिकायतें पानी, बिजली, सड़क और विवाह शादी के लिए पैसों को लेकर थी। ऐसे में धवाला ने इन सभी विभागों के अधिकारियों की खूब क्लास लगाई। धवाला ने कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी तथा लोगों से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, BDO देहरा राजीव सूद, तहसीलदार ज्वालामुखी जगदीश चंद, मंदिर अधिकारी ज्वालामुखी BD शर्मा, जिला परिषद सदस्य श्याम दुलारी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विजय मेहता, महामंत्री जोगिंदर प्रकाश, SDO लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग एवं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, विभिन्न विभागों से आए अधिकारी व कर्मचारी एवं स्थानीय जनता उपस्थित रही। धवाला ने ज्वालामुखी के 10 ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं को सुना तथा अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करते हुए शेष समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता की शिकायतों के समाधान हेतु उन्होंने सभी अधिकारियों से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। ज्वालामुखी के अद्वानी में स्थित गौशाला को खोलने व इसका विरोध करने वाले लोगों का मुद्दा एक बार फिर खुले मंच में खूब गरमाया। इस मामले को लेकर अद्वानी का एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि मंडल भारी संख्या में उपस्थित होकर स्थानीय विधायक के पास गौशाला को न खोलने की मांग को लेकर फरियाद लेकर पहुंचा। इन लोगों ने अद्वानी में गौशाला को खोलने का विरोध किया था, साथ ही इस स्थान की जगह कहीं और गौशाला को खोलने की बात धवाला के समक्ष रखी। वहीं दूसरी ओर एक अन्य गौ सेवा रक्षा समिति ने धवाला के समक्ष गौशाला को खोलने की फरियाद की। इस मामले को लेकर धवाला ने कहा कि यदि अद्वानी में लोग गौशाला नहीं खोलना चाहते तो विकल्प के तौर पर सुंदगल में 600 कनाल की भूमि में गौशाला खोलने की प्रपोजल सरकार को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि FCA से क्लियरेंस मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और यहां लगभग 1000 से ऊपर गौवंश को रखने की क्षमता होगी। ऐसे में इस गौशाला में पूरे विधानसभा में जितने भी आवारा पशु हैं इससे लोगों को छुटकारा मिल जाएगा।